News 18, India. बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के लिए आए, सामने आए, उनसे बातचीत के लिए तैयार है केंद्र सरकार। सरकार ने कहा है कि वो किसानों से किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार है। किसानों की मांग पर सरकार के मंत्रियों ने इससे पहले भी बात की थी, तीन तीन केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में 5 घंटे मैराथन बैठक चली थी, किसानों को समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। और अभी भी सरकार का यह साफ कहना है कि वो बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो डेडलॉक है वो टूटना चाहिए और लगातार किसान जो है वो आंदोलन पर उतारू है। दिल्ली कूच करने की उन्होंने तैयारी की है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं, फिर वो चाहे कोई भी बॉर्डर हो, सब पे सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस बीच सरकार ने ये कह दिया है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जब भी जिस भी वक्त वो बातचीत करें हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी वो रास्ता एकदम बातचीत का खुला है। ये बार बार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह चुके हैं, फिर वो चाहे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हो, अनुराग ठाकुर, सबने ये बात कही है। जरा अब आपको समझाते हैं कि आखिर किसान और सरकार के बीच जो बातचीत है वो अभी तक किस लेवल पर पहुंची। जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाए कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जो भी समस्या होगा उसके त्वरित निष्पादन होगा, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। राजनीति से प्रेरित ना हो प्रदर्शन, क्योंकि अगर आम लोगों को कठिनाई होगी तो उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। आइए अब जरा आपको यह समझाते हैं कि आखिर किसान और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें पेच कहां फंस रहा है। सरकार के सामने किसान नेताओं ने 13 मांगे रखी जिनमें से 10 मांगे सरकार ने मान ली हैं। तो ये जो मांगे नहीं मानेंगे, जरा अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। सरकार ने 13 में से 10 मांगे मानी है। मांग नंबर 1, MSP गारंटी कानून। जो मांग नहीं मानी गई है उनमें अगर 10 लाख करोड़ जो है मांग मानी गई तो खर्च होगा, यह कहा गया है। देश का कुल मौजूदा बजट ही 45 लाख करोड़ का है। उसके अलावा मांग नंबर 2 क्या है, किसानों की कर्ज माफी हो। और जो दूसरी तरफ है वो ये कि कितना लोन, 21 लाख करोड़ तक का लोन जो है इसमें देने की बात है, यानी ये मांग नंबर 2 है। उसके अलावा हम आपको बता दें किसानों ने कर्ज माफी की मांग की है और
कैसे ये पूरा सरकार ने क्या कह रही है, सरकार और किसानों की तरफ से क्या मांग रखी गई है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दूसरी बात ये है, यानी जो मांगे नहीं मानेंगे उसमें सबसे पहला एमएसपी गारंटी कानून, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ये मांग क्यों नहीं मान रही, इसके पीछे सरकार का पक्ष क्या है, मोदी सरकार ने क्या कुछ किया। 10 साल में धान की एमएसपी में 64% का इजाफा कर दिया गया, उसके अलावा 10 साल में गेहूं की एमएसपी 58% तक बढ़ा दी गई है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे हैं। 6 साल में खाद पर 55,000 करोड़ की सब्सिडी भी दी गई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, अगर एमएसपी गारंटी कानून सरकार मान लेती है तो 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा, इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और रक्षा पर होने वाले बजट पर इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा। और उसके अलावा आपको यह भी बता दें, किसानों की दूसरी मांग जो है वो कर्ज माफी को लेकर है। सरकार का यह कहना है कि किसानों पर बैंकों का 21 लाख करोड़ रुपया लोन है और अगर यह माफ कर दिया गया तो देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा। अब जरा आपको यह भी समझा दें कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए अब तक क्या कुछ किया है। तो 10 साल में धान की एमएसपी में 64% का इजाफा है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 10 साल में गेहूं की एमएसपी 58% तक बढ़ाई गई है, उसके अलावा 6 साल में खाद पर 55,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई, 10 साल में पंजाब के किसानों को 60,313 करोड़ का रियायती लोन जो है वो भी मुहैया कराया गया, फसल बीमा और पीएम सम्मान निधि के तहत 13,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। तो ये अब तक सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं और अब लगातार किसान जो हैं वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अमित पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, जरा समझना चाहेंगे कि जो 13 मांगे किसानों ने रखी थी उनमें 10 मांगे तो मान ली, लेकिन अभी भी 3 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ। देखिए, इन 13 मांगों की व्यापक तरीके से चर्चा हुई थी किसान संगठनों और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच में, परसों भी चर्चा हुई थी और कल भी चर्चा हुई थी। और ये सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे पंकज, चाहे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर इसके अलावा अन्य किसानों की कर्ज माफ़ी, तो उसके पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार ने क्या किया है, ये बात किसानों को समझाने की कोशिश की गई कि आखिरकार सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए। और 3 जो प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, दूसरा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधि किस किस के साथ की है, और तीसरा सरकार की आर्थिक नीतियाँ, और जिसमें आप ये एमएसपी की बात कर रहे थे, इसके अलावा किसानों के कर्ज की बात कर रहे थे। तो इस बारे में, इन चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में किसान संगठनों को अवगत कराया गया है और आगे भी यही कोशिश की जा रही है। बाकायदा एक टीम बनाई गई है एक सिंपल भाषा में सरकार की बातों किसानों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन परसों जब ये बात हुई सरकार के सूत्रों के मुताबिक, तब किसान के संगठन के लोग बीच में से ही जो वार्ता थी वो उठ कर वहाँ से चले गए। उसके बाद भी ये बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है बहुत व्यापक स्तर से, और एक सूक्ष्म चीजों को किसान संगठन के लोगों को ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार अब भी उम्मीद कर रही है कि एक बार अगर वो बोर्ड पर आए तो ये सारा खाका उनके सामने, बिल्कुल इसका ऐलान अब कुछ देर पहले बयान दिया है अर्जुन मुंडा ने, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, राजनीति से प्रेरित ना हो प्रदर्शन, और ये भी साफ तौर से कहा गया है, और बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल होता है और जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र हम उसका निष्पादन भी करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हो रही है। आपको जानकारी देते हैं, कृषि मंत्रालय में इस वक्त अर्जुन मुंडा जो बैठक ले रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं उनके साथ कृषि मंत्री बैठक कर रहे हैं। अभी कृषि मंत्री का हमने आपको बयान भी सुनाया, उन्होंने कहा कि शीघ्र से शीघ्र निष्पादन होगा लेकिन बातचीत के जरिए ये सब कुछ हो, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आम लोगों को दिक्कत हो रही है उससे किसी समस्या का हल नहीं हो रहा बल्कि उससे मुसीबत बढ़ रही है। 13 मांगे किसानों की तरफ से रखी गई थी, 10 मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। एमएसपी को लेकर लगातार किसान वो मुद्दा उठा रहे हैं, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी को लेकर कानून बने, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अब जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की जिसको वो लगातार उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी को लेकर कानून बने, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पिछले 10 सालों में कई बार बदलाव किया जा चुका है और हर बार इसको किसी न किसी स्तर पर बढ़ाया जा चुका है। हमने कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी बात की, अनुराग ठाकुर से भी बात की, तो उनका यही कहना है कि जो हम किसानों को यह सूचित किया गया है कि सरकार ने 10 सालों में काम किया और इसका सिलसिलेवार तरीके से किसानों के सामने सरकार का दृष्टिकोण भी रखा गया है, तो ये चीज़ें किसान के संगठन के लोगों को समझाई जा रही हैं। और आने वाले दिनों में क्या
पंचवर्षीय योजना किसानों के लिए बनी है, ये भी इसका भी एक व्हाइट पेपर सरकार उनके सामने रख रही है। तो कुल मिलाकर जो कृषि नीति है वह किसान आम किसान को समझ में आए, इस प्रदर्शन से जुड़े किसानों को समझ में आए, वो बोर्ड में आए बैठे और उनके साथ ये चर्चा, ये पूरा खाका तैयार किया गया। और एक अपडेट और है पंकज, जो ये बैठक का आप जिक्र कर रहे थे, ये बैठक अभी हो चुकी है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और इन्हीं मुद्दों पर सहमति बनी है कि पुख्ता तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से किसानों तक सरकार की बात पहुंचाई जाए। और पिछले आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि एका नजर आता था, यानी दक्षिण भारत हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह के किसान इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस बार ज्यादातर हम देख रहे हैं कि पंजाब की तरफ से किसान जो हैं, मैं इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आपको बता दें किसानों की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर दी जाए, ये उनका कहना है। अब सवाल ऐसे में यह है कि ये बात अब तक क्यों नहीं बन पा रही है, क्या ये मांग इतनी व्यवहारिक है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि इसका पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जरा आंकड़ों से इसे हम आपको समझाते हैं। इस समय 24 फसल हैं जिन पर सरकार एमएसपी देती है और हर साल अमूमन एमएसपी पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है, और अगर सिर्फ इन्हीं 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाती है तो सरकार के बजट पर 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और सरकार फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है, मतलब वहां समझौता करना पड़ेगा। और अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने का कानून लाते हैं जैसा कि किसान मांग कर रहे हैं तो सरकारी खजाने पर 40 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, जबकि देश का बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इससे इकोनॉमी पर, इससे अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। इसे जरा एक और तरीके से हम समझाते हैं कि देश का बजट 45 लाख करोड़ का है और अगर 40 लाख करोड़ एमएसपी पे यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चले जाएंगे तो देश के रक्षा बजट से समझौता करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी इसका असर पड़ेगा, जैसे रोड रेड और उसके अलावा मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे, देश के विकास पर, उसकी डेवलपमेंट पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोजेक्ट पर भी बहुत ज्यादा इससे असर पड़ जाएगा। आइए जरा एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज हमारे साथ है सिंगू बॉर्डर पर। नीरज आप बताएं इस वक्त क्या स्थिति बनी है। देखिए पंकज, यहां भी लोगों को इंतजार है कि शंभू बॉर्डर पे आखिर क्या हो रहा है वहाँ किसानों और पुलिस के बीच में। देखिए यहाँ तमाम तैयारियां की गई हैं, लगातार किलेबंदी की जा रही है, सुबह से आपने भी देखा होगा, लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा दे। देखिए यहाँ तो तमाम लोग आरएएफ के जवान तैनात हैं, वो सामने में हमें बताया गया कि जो एन ए चौवालीस सड़क पे, हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पे खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे, जो बैन है, हमें बताया गया कि वो बोर्ड भी हटाया जा रहा है। क्या वजह है इसका पता थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन लगातार आपको क्रेन के जरिए ऊपर चढ़ाई करके, हो सकता है मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही होगी, तो लगातार ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अगर किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पूरी तरह से रोका जा सके। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे। देखिए सुबह से जो कटीले तारों को बिछाने का काम है कंक्रीट के बैरिकेड के बीच, वो लगातार जारी है। आरएएफ के जवान सैकड़ों इधर लगातार पिछले 4 से 5 घंटे से खड़े हैं, यहाँ कोई गतिविधि, किसान अभी जुटे हुए नहीं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जसप्रीत हैं, वो भी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उसके अलावा अंकिता हमारे साथ हैं जो टीकरी बॉर्डर पर हैं। जसप्रीत आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगी, सुबह से लेकर अब तक में क्या फर्क आप देख पा रही हैं? बिल्कुल पंकज, बिना देर किए मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। NH-44 ये है, देखिए ये बोर्ड को हटाने का काम हो रहा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहाँ पर लिखा है धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से उस बोर्ड में लिखा है वेलकम टू हरियाणा। अब हमारे मन में भी ये सवाल आया कि ये जो जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है तो ये बोर्ड क्यों हटाया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सिंघू बॉर्डर है, ऐसे में यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, किसानों का पहुंचना तो असंभव है, लेकिन उस पार से विकास आप दिखाइए, क्योंकि वहां पर जो कंटीले तार है, टियर गैस अगर छोड़ी जाती है, यानी कि आंसू गैस का अगर इस्तेमाल होता है प्रदर्शनकारियों पर, किसानों पर, तो ये बोर्ड बाधा ना बने, इस बोर्ड पर जो है बाधा ना बढ़े और यहीं पर ये इसका एक्शन ना हो जाए, इस वजह से इस बोर्ड को हटाने का काम हो रहा है। आप देखेंगे आगे तक, जहां पर मेरे सहयोगी नीरज मौजूद थे, कई लेयर्स की वहां पर सुरक्षा की गई है पंकज, और इस तरफ हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, इस काम में देखिए 2 JCB मशीन लगाई गई है। बिल्कुल, जरा अंकिता आपके पास मैं आना चाहूंगा, सुबह आप दिखा रही थी कि लोग परेशान नहीं है, अब लोग आक्रोशित है, गुस्से में है,
क्या स्थिति इस वक्त आपको अलग नजर आ रही है सुबह से लेकर अब तक? देखिए दोपहर का वक्त है पंकज, और लंच का टाइम में तो धीरे धीरे लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं। जैसा कि हम पहले भी इस बात की आशंका जता रहे थे कि लंच टाइम में हो सकता है रेडी पटरियों की न होने की न वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हो, वो दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोग इधर उधर गलियों में शांत बैठे नजर आए। जब उनसे हमने बात की तो कहते हैं कि हम खाएं तो खाएं क्या, यहां तो कोई दुकान ही नहीं है। लेकिन इस पोस्टर पर जरा आप नजरें दौड़ाइए, साफ तौर पर लिखा है कि बहादुरगढ़ के